पता है अपन ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, ब्लड रिलेशन का ये आपका दूसरा क्लास है। पहली क्लास में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ब्लड रिलेशन को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा था। सबसे पहले क्या था बच्चे, पजल पे आधारित, और दूसरा बच्चे कोडिंग रिलेशनशिप, और तीसरा बच्चे पॉइंटिंग फॉर्म। पजल के लिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस का डायग्राम हमने बनाना सीखा था, और करीब 4 क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने किया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे 5th क्वेश्चन से। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, शायद इसका जवाब आपने निकाल भी लिया होगा। एक बार ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या आया है बच्चे? ग्रैंडफादर। सभी का आया है। चलिए तो एक बार ट्राई कर लेते हैं और फिर सीधा से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सभी का हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है पहले ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। क्वेश्चन है बच्चे, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाते हैं। एक एक करके डायग्राम हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है? ई बी की बहन है। क्या लिखा है बच्चे? ई बी की, ये पीडीएफ दे दूंगा मैं, ई बी की बहन है। पहले ध्यान से देखिएगा, ई बी की बहन है, तो ई को बना लो। ई क्या है? बहन है। किसकी बहन है? बी की। तो ई और बी एक ही जनरेशन के होंगे, तो अगल बगल में बनेंगे, और ई सिस्टर है इसलिए फीमेल का साइन ऊपर रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ए सी का पिता है। ए किसका पिता है? सी का। लेकिन ना यहाँ ए दिख रहा है ना सी दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी ए और सी नहीं दिख रहा है तो इसको हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है। क्लियर है? तो इस लाइन को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला है बच्चे? बी सी का पुत्र है। ये वाली लाइन देखो, बी सी का क्या है? पुत्र है। तो बी किसका पुत्र है? सी का। तो ये सी का पुत्र है, तो ये सी का पुत्र है, तो बी भी कंफर्म हो गया कि क्या होगा? मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। और सी जो पिता है या माता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर होंगे। क्लियर है? अब ये बताओ, सी के बारे में यहाँ पे लिखा है, ए सी का क्या है? पिता है। ए जो है वो सी का पिता है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं। तो ए सी का क्या है बच्चे? पिता है। ए सी का क्या है? पिता है। तो ए को इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ, सी का पिता है, और ये पिता है, तो ये क्या होगा बच्चे? मेल होगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत आसानी से बन गया। तो ये लाइन हमें क्लियर नहीं था, तो हमने पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर वापस इसमें आके ये हमने बना लिया। उसके बाद फिर बच्चे क्या है? तब ए का ई से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन है, ए का ई से। तो अच्छे से देखिएगा, ए का ई से, तो से से कहाँ जाओगे बच्चे? का था। तो ये आप हैं, आप एक महिला है, और ये आपके कौन है? भाई हैं। और ये आपके भाई हैं, और ये भाई हैं, तो ये इनके क्या है? माता या पिता। तो अगर ये पिताजी होंगे तो ये दादाजी कहलाएंगे, माताजी होंगी तो नानाजी कहलाएंगे। हाँ या ना? तो यहाँ पे दोनों जवाब संभव हैं, दादाजी भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं। तो दादा और नाना हिंदी में अगर जाएं तो दादा भी हो सकता है आंसर, और साथ में क्या हो सकता है? नाना भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन में आएंगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जहां पे ग्रैंडफादर जैसा दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो हम इसे ही टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो दादा या नाना हिंदी में अगर जाएंगे तो बाकायदा कुछ ना कुछ एक लिखा होगा, या तो दादा लिखा होगा या तो नाना, तो जो भी लिखा हो उसे टिक कर देना। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हम कंफर्म जवाब नहीं दे सकते थे यहाँ पे, हम यहाँ पे दोनों को रख सकते थे, दादा या नाना, लेकिन कंफर्म जवाब नहीं दे सकते थे। अगर डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन दिया होता तो हम उसे टिक करते, आंकड़े अपर्याप्त है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अभी हम कंफर्म है कि इन चारों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन। कोई सवाल किसी का? बन गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या सभी को क्लियर होगा? आई थिंक लाइव में भी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6th में। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी करिएगा। अभी पजल पे आधारित के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, मैं कराते चल रहा हूं, सीधा सा थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी का भाई है। ए क्या है बच्चे? भाई है। किसका भाई है? बी का। तो बी का भाई कौन है? ए है। तो ए को पहले बना लो, ए को बना लो। ए बच्चे ब्रदर है। किसका ब्रदर है बच्चे? बी का। तो हमने बगल में बी को बना लिया, चलेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। सी ए की माँ है। सी किसकी माँ है? ए की माँ है। तो सी को ऊपर बना लो, और ये माँ है तो क्या हो गया? फीमेल हो गई। क्लियर है कि नहीं? अच्छा आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है। डी जो है वो किसका पिता है? सी का। तो बच्चे एक काम कर लो, इसको नीचे बना लो। डी जो है वो सी का पिता है, तो इधर ले आओ ऐसे, और डी को ऊपर बना लो। डी किसका पिता है बच्चे? सी का। तो ये हमने बना लिया, डी पिता है सी का। ठीक है, डी सी का पिता है। आगे चलते हैं। ई बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है बच्चे? बी का। यहाँ पे बी कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है।
ई जो है वो किसका पुत्र है, बी का, तो ई जो है वो पुत्र है बी का, तो ई के नीचे ऐसे ट्राइंगल बना दो, ये उसका पुत्र हो गया। क्लियर है कि नहीं, बन रहा है बच्चे? आगे चलते हैं यहां पे। अब आपको ये पूछा है तो यह बताइए कि ए से डी का, अच्छे से पढ़ना, ए से डी का, यही पूछा है, ए से डी का, ए से डी का क्या संबंध है, हाँ या ना? आपको बताया गया है से कहां जाना है, का, तो ये आप हैं, आप एक पुरुष हैं, ये आपकी माँ है, अरे माँ के जो पिताजी होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, नाना, क्या लगते हैं, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, नाना, और नाना के हिसाब से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ग्रैंड फादर, यही बेटर लग रहा है। वैसे हिंदी में मैं हमेशा बोलूंगा ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में एक नाना लिखा होगा, क्या लिखा होगा, नाना, तो नाना ही जवाब होगा, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर का मतलब नाना ही है यहाँ। क्लियर है कि नहीं, कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेटर ऑप्शन को टिक करना, समझ में आया, आप छोड़ के मत आना, चार में से टिक करके ही आना है, क्योंकि आप जो पेपर को सॉल्व करते हैं ये एग्जाम का नाम ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन टिक करना होता है। क्लियर है कि नहीं, पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मुझे भी पता है ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने ग्रैंडफादर मतलब नाना समझ के टिक मार दिया। क्लियर है कि नहीं? आप लेकिन हिंदी में देखिएगा, हिंदी में अच्छे से लिखा होगा, नाना लिखा होगा, क्लियर है? और इंग्लिश में वैसे नाना को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई शब्द था नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी थी उसे ही टिक करना। क्लियर है? अगर उसे नहीं करते तो किसे करते, सवाल ये था। ठीक है, तो आगे बढ़े, क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं आई थिंक उन्हें भी क्लियर होगा, तभी वो शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सातवां क्वेश्चन। अब इस सातवें क्वेश्चन का आप चाहें तो तुरंत का तुरंत जवाब दे सकते हैं, क्या आएगा बच्चे, ए बी सी डी, कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आपने ट्राई किया है, और देखते हैं एक बार सही है कि गलत है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगेन बच्चे ए बी की बहन है, तो ए को बना लो, ए क्या है बच्चे, बहन है, और किसकी बहन है, बी की, ये बना लिए बी को बगल में। ओके, टफ तो नहीं लग रहा है ना, बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है? तो ए बहन है, ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, सी बी की माता है, सी किसकी माता है, बी की, तो सी माता है, तो इसके ऊपर सर्कल बना दो, और बी की माता है। ओके बच्चे, आगे चलिए, डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का, तो एक काम कर लो, इसको नीचे ले आओ, डी किसका पिता है बच्चे, सी का, ध्यान से देखिएगा, डी बच्चे फादर है किसका, सी का, क्लियर है कि नहीं, डी सी का पिता है। ओके, यहां तक आगे बढ़िए बच्चे, क्या है, ई डी की माता है, ई जो है किसकी माता है, डी की, तो ई को बना दो माता, वो डी की माता है, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं, तो ई माता है डी का, कहां गए भाई, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है, बहुत आसान है, तब ए का डी से क्या संबंध है, तो से कहां जाएंगे, का, तो ये आप है, ये आपके बेटी है, और ये बेटी का क्या है, बेटी का बेटा है ना, बेटी का बेटा क्या लगता है, सॉरी बेटी की बेटी है, तो बेटी की बेटी क्या लगती है, नातिन, क्या लगती है, नातिन, क्या लगती है, नातिन, तो नातिन कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, तो नातिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर, क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर, तो किसे टिक करेंगे, ग्रैंड डॉटर, और हिंदी में लिख लीजिएगा नातिन, क्या लिखिएगा, नातिन, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिए बकायदा आंसर हर क्वेश्चन का, नातिन होगा, बट यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन नहीं, हिंदी में प्रॉपर दिया होगा, इंग्लिश में बड़ा दिक्कत करता है, कई बार मैटरनल पैटर्नल नहीं लगाता, तो आप उस पर टेंशन नहीं लेना, आप जो नॉर्मल है वो टिक करके आ जाना, क्लियर है, मैं तो कहूंगा कि हमेशा हिंदी वाले ऑप्शन, हिंदी से देखा करो इसको, खासकर इस टॉपिक को, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं सीधा 8वें क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम है, आ जाओ आगे, अब ये भी पजल के फॉर्म में दिया, एक बार मैं चेक करूंगा, इसमें शायद एक बार मिस्टेक था इसमें, तो सही है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई एफ है, यही लिखा है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, इंग्लिश हिंदी ठीक है ना, ए की पुत्री सी है, ठीक है,
इज द सिस्टर ऑफ एफ, यहां पे एफ की बहन के है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई जी है। ठीक है, ठीक है ना, बनाइए थोड़ा, हिंदी में मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अजीब सा लग रहा है थोड़ा। क्या हो गया, आंसर बता रहे हो? जी का चाचा कौन है? एफ है। कौन है? बिल्कुल सही किए हो बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं एक बार, सभी लोग देखिए एक बार, ट्राई करते हैं पजल के फॉर्म के, आप आसानी से आप कर ले रहे हैं, पजल में कोई दिक्कत नहीं है मतलब, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, तो एफ को ए का भाई बना दो, ये एफ है, ये ए है, एफ इज द ब्रदर है, तो भाई कौन है? एफ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे क्या लिखा है बच्चे? ए सी की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर कौन है? सी है, तो सी डॉटर है, तो ये फीमेल हुई। हाँ या ना, समझ रहे हो? तो सी इज द डॉटर ऑफ ए। अब आगे पढ़िए बच्चे, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, तो के जो है वो एफ की बहन है, तो के को बगल बना लो और सर्कल बना लो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हिंदी में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? ठीक। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी किसका भाई है? सी का। जी किसका भाई है? जी को बगल बना दो और जी सी का भाई हो गया। क्लियर है कि नहीं? ओके है, ठीक है, आगे पढ़िए। कहाँ गए बच्चे? हाँ यही तक था ना, वो कुछ बचा है? तब तो बन गया। तो बताना है जी का चाचा कौन है? जी का चाचा, तो जी का चाचा कौन दिख रहा है? जी है, जी का ये बहन है, जी की बहन है, और ये बहन के माता या पिता होंगे। अगर पिता जी होंगे तो चाचा एफ होंगे, मम्मी होंगे तो मामा होंगे, लेकिन पिता माता नहीं पता, इसलिए एक चाचा बस पूछा था। तो चाचा के लिए कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? एफ। किसे टिक करोगे? एफ। क्लियर है कि नहीं? तो चाचा कौन होंगे बच्चे? एफ। वैसे वो मामा भी हो सकते हैं, लेकिन चाचा पूछा है तो एफ टिक कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? हाँ या ना? ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आप बना लेंगे। नेक्स्ट में आइए, बहुत बढ़िया इंदु, बिल्कुल सही है। ठीक, अभी आइए बच्चे नाइन्थ क्वेश्चन में, बताएंगे भाई, ऑप्शन है भाई, भाई है, भाई आएगा। कुछ बच्चे भाई बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कजिन बोल रहे हैं, कजिन ब्रदर। आओ देखते हैं, चलो बनाते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। क्या बोला है? सी इज दी वाइफ ऑफ बी, यही लिखा है। सी किसकी पत्नी है? सी बी की पत्नी है, तो सी को बना लो, ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? बी की। बी निश्चित रूप से क्या होगा? मेल होगा, दोनों की शादी हो गई। क्लियर, ऐसी होगा। हाँ या ना? ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है आगे पढ़ो। ई सी का बेटा है, ई किसका बेटा है? ये बेटा हो गया, बी का भी बेटा ही कहलाएगा। हाँ या ना? आगे चलिए, ए बी का क्या है बच्चे? भाई है। ए किसका भाई है? बी का, तो ये भाई हो गया, बन गया। ठीक है, आगे पढ़िए। और डी का पिता है, और डी का पिता है, और लिखा है ना, और अगर लिखा है, इसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं, अगर और लिखा रहता है, एंड लिखा रहता है, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट कौन है? ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो डी का पिता कौन होगा? लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो सेकंड पर्सन को लेते हैं। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे जो, की, विच, हु, ये सब, तब सेकंड पर्सन को, लेकिन एंड रहता है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को लेते हैं। ये सब चीजें मैं अभी आगे लिखवाऊंगा आपको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इसी में लिखेंगे आप, ब्लड रिलेशन में। पहले इतना ओके है कि नहीं? तो ये बताइए, फर्स्ट पर्सन ए है, तो ए डी का पिता है, तो ए किसका पिता है? डी का, तो यहाँ पे डी बना दो, ये डी हो गया। क्लियर है कि नहीं? सहमत हो? आगे चलो, ई का डी के साथ क्या संबंध है? पूछा है, के साथ का मतलब ही क्या होता है? से, तो ई का डी से, समझ रहे हो कि नहीं? ई का डी से, तो से कहाँ जाना है? का, ये आप है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके चाचा हैं, और ये चाचा की वाइफ है, चाची, और चाची का बेटा जो होता है वो क्या लगता है? चचेरा भाई। क्या लगता है? चचेरा भाई, और चचेरा भाई मतलब हो गया
क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? हाँ या ना, सहमत हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये बच्चे हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है और बहुत स्मूथली हो रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? तो ऐसी पजल के क्वेश्चन अब आपको दिक्कत नहीं करेंगे, बस अब मैं आपको पैटर्न सिखाना है, कंसेप्ट हो गया है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, सुनो ध्यान से। यहां पे एक शब्द दिख रहा होगा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन बोल रहा था ना, रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में प्रोनाउन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? भाषा के लिए जरूरी है ना सीखना, भाषा ही तो है, कुछ नया थोड़ी है। तो ये हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और हिंदी में देखो क्या लिखा होगा इसकी जगह, क्यों पौत्री है, ओ की जो जो लिखा है, आया ना? अब इसका अर्थ क्या होता है ये सिखाना चाहूंगा मैं आपको, तो अभी इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूं, पहले कुछ लिखवा रहा हूं और फिर इस पे आऊंगा। आवाज थोड़ा कम निकल रहा है क्योंकि आखिरी जैसे हफ्ता कंप्लीट होता है आवाज गुम हो जाता है और फिर मंडे से वापस आता है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े तो चलिए एक काम करते हैं, पहले कुछ पॉइंटर लिखिएगा। बोल रहे हैं लिखे, तो बच्चे पहला पॉइंटर लिखिएगा, ये नोट है, क्या है? नोट बना के लिखिए, नोट नंबर 1। सबसे पहला नोट सब लोग लिखेंगे, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। पूरा सेंटेंस लिखोगे, इसका डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। क्या लिखेंगे? पहले लिखिए ए बी का भाई है, ए कॉमा बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, जो कि सी का पिता है। लिख लिए, इंग्लिश में लिखना, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा हु इज फादर ऑफ सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। लिखो भैया, पांच सेंटेंस लिखवाने वाला हूं, कितने? पांच। इसलिए शांतिपूर्वक लिखिए, और ये जो लिखवा रहा हूं ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट में काम आएगा, ये आपको पजल में काम आएगा, ये आपको बाकी जहां भी वाक्य वाले सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां काम आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो पहले आपने लिखा ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी, लिख लिया आपने। दूसरा लिखिएगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और फिर लिखा है और, ए बी का भाई है और सी का पिता है, सी का पिता है। इन सब का डायग्राम बनवाऊंगा इसलिए पहले लिखते रहिए, और सी का पिता है, ठीक है? इंग्लिश में लिखिएगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज अ फादर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज अ फादर ऑफ सी। लिख लिए हैं, डायग्राम बनवाएंगे अभी सबका। तीसरा लिखिए, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। राइटिंग समझ में आ रहा है? वैसे बोल भी रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे बच्चे तीसरा हमने लिखा, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी बट, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी बट इज द फादर ऑफ सी, बट इज द फादर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी बट इज अ फादर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी बट इज द फादर ऑफ सी। लिख लियो, ठीक है? बट यहां पे क्या लिखे हो, लेकिन के लिए क्या लिखे हो इंग्लिश में? बट, और इसके लिए क्या लिखे हो? एंड, और इसके लिए क्या लिखे हो? हु। समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ फोर्थ में। फोर्थ वन लिखिएगा, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता
पिता है जबकि सी का पिता है। ठीक है, लिखिएगा बच्चे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी कॉमा वाइल, वाइल जबकि मतलब वाइल, वाइल इज अ फादर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी वाइल इज द फादर ऑफ सी, वाइल डब्ल्यू एच आई एल, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, डब्ल्यू एच वर्ड। सुबह आते हैं बच्चे क्लास करने, कोई आप में से प्रोनाउन पढ़ने समझ में आ रहा है ना? ठीक, जो नहीं आते हैं आप परेशान मत होइए कि हम भी सुबह आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में लिखेंगे, अभी सुनते रहिए। जबकि सी का पिता है मतलब वाइल, क्लियर है कि नहीं? और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो फिर से समझाऊंगा पूरा, ठीक है। ये चौथा क्लियर है बच्चे, पांचवा लिख लीजिए, ए बी का भाई है कॉमा सी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा देना फिर केवल, सी का पिता है। ये छोटी छोटी बातें बच्चे नहीं पढ़ते जिस कारण से उन्हें पजल सेटिंग अरेंजमेंट और इन सब चीजों में हमेशा तकलीफ रहता है, समझ रहे हो ना? अब इंग्लिश में लिखिएगा, ए ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा इज द फादर ऑफ सी कॉमा, देखिए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी कॉमा इज द फादर ऑफ सी, हो गया। अब सुनो, सबने लिख लिया, ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखना, इसको इतने अच्छे से नोट करना कि सीटिंग अरेंजमेंट में भी वहां पे लिखवाऊंगा फिर से वैसे, तो वहां पे भी काम आएगा, वहां पे भी काम आएगा, ठीक है ना, वहां पे भी काम आएगा। कब काम आएगा? जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सीटिंग अरेंजमेंट। तो अभी तो आप सुन लो अच्छे से, सीटिंग अरेंजमेंट भी हेल्प करेगा, पहले इसको छोटा कर देते हैं और कहीं किनारे रख देते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिखेगा यार, ये ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है, चलो अभी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे डायग्राम, समझिए, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, तो यहां पे जो का मतलब क्या होता है, सवाल ही होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन, समझने के लिए, वैसे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन अलग होता है लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। जैसे मान लो सेंटेंस होता है तो जनरली ऐसे ही होता है ना, वाक्य किसी को लिखते हो तो इसको मैं फर्स्ट पर्सन बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, सेकंड पर्सन, चलेगा? जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट बोल दिए, जो बाद में लिखा है उसको सेकंड बोल दिए, बस इतनी सी बात है। लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बेसिक सी बात बता रहा हूं, रीजनिंग को रीजनिंग तरीके से पढ़िए, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखो, ए बी का भाई है जो कि, तो ये याद रखना हु जो वर्ड होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन को क्या करता है, मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन आगे की चीजों को गवर्न करता है, क्या करता है, गवर्न करता है, मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बताता है। ये जो हु जो है ये सेकंड पर्सन के बारे में बता रहा है, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन है और सेकंड पर्सन कौन है, तो याद रखना ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड है, तो यहाँ पे किसके बारे में कौन बता रहा है, हु किसके बारे में बोल रहा है, सेकंड पर्सन, याद रहेगा कि भूल जाओगे हमेशा, बस टू लिख लो, जैसे लिखे टू लिख दो, ये वन ये टू ये इसका, मतलब सुन लो बता रहा हूं, मतलब सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, बी है ना, बी के लिए, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, सुन लो अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, मतलब जो कि कौन है, बी, बी सी का पिता है, कौन पिता है सी का, बी पिता है सी का, समझ रहे हो? हाँ या ना? तो बनाते हैं डायग्राम, ए बी का भाई है, ए जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, बी का, और यहाँ पे जो लिखा है, जो मतलब हो गया बी, बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, बी सी का पिता है, क्लियर है, बी जो है वो पिता है, किसका पिता है, सी का। ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम, क्लियर है कि नहीं, मतलब पहले वाले लाइन का डायग्राम ऐसे बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है? तो ये आपने डायग्राम इस तरीके से बनाना है, तो पहली बात तो मैंने बता दिया और इसको आपने बना भी लिया होगा। अब आते हैं सेकंड में, चलें सेकंड में, सेकंड में क्या लिखा है, ए बी का भाई है और, क्या वर्ड लिखा है,
और जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को। तो फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चे? ए है। तो यहाँ पे और सी का पिता है, मतलब कौन है सी का पिता? ए है सी का पिता, ए है सी का पिता। तो यहाँ पे बनाएंगे कैसे इसको? सबसे पहली बात, ए बी का भाई है, तो ए जो है वो ब्रदर है, किसका भाई है? बी का। और यहाँ पे और का मतलब ए के बारे में है, फर्स्ट पर्सन, ए सी का पिता है, किसका पिता है? ए सी का। तो ए जो है वो पिता है सी का। तो ये डायग्राम इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, समझ में आए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? उसको बहुत आराम से सुनो, कुछ बहुत खतरनाक बात नहीं बता रहा हूँ, भाषा सिखा रहा हूँ, लैंग्वेज जो आप डेली बोलते हैं लेकिन आपने आज तक कभी जोकी और ये सब चीज को कभी ध्यान नहीं दिया, उन्हीं चीजों को बता रहा हूँ, क्लियर है? और कोई भी ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं कि आपने नहीं दिया, दुनिया का कोई भी सदस्य ये सब चीज नहीं सोचता, क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो वर्ड होता है वो हमेशा दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और जो होता है वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं। और का इंग्लिश लिखा हूं दोस्त, मत पूछना कि क्या है, एंड है। क्या है? एंड। और जो मतलब हु है, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, अब ए बी का भाई है, लेकिन है, लेकिन दिख रहा है ना, लेकिन भी बच्चे हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन। मतलब सब कुछ फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सब कुछ फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? बस डब्ल्यू एच वर्ड को छोड़कर, किसको छोड़कर? जिसमें वाइल अलग है, वाइल की बात नहीं कर रहा हूं। डब्ल्यू एच वर्ड में मतलब हो गया हु, विच, हुज, ये सब चीजें, क्लियर है कि नहीं? ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड पर्सन को। बाकी जितने हैं सब किसको करते हैं? फर्स्ट। यहाँ पे ये दूसरा वाला भी फर्स्ट को कर रहा है, तीसरा वाला भी फर्स्ट को करेगा, बट लिखा है ये भी, लेकिन जिसको बोलते हैं ये भी फर्स्ट पर्सन को, मतलब तीसरे का भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? ए बी का भाई है, बना दो, और किसका पिता है भैया? लेकिन सी का पिता है, मतलब लेकिन कौन है यहाँ पे? ए। लेकिन ए जो है वो सी का पिता है, तो ये ऐसे ही बनेगा, क्लियर है कि नहीं है? पहले बताओ समझ में आया तीनों? क्लियर है डायग्राम? तो केवल अलग यही वाला था, बाकी सब सेम था, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चौथे में चलो, चौथे में फिर निष्कर्ष निकाल दूंगा। जबकि लिखा है, क्या लिखा है? जबकि मतलब वाइल। ये भी बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन। किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। मतलब फिर से वैसे ही डायग्राम बनेगा, ए सी का पिता है, हाँ या ना? तो आइए डायग्राम बना देते हैं चौथा। तो ए जो है वो बी का ब्रदर है, और ए जो है वो सी का पिता है, तो सेम डायग्राम बनेगा। ये हो गया फोर्थ का, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बच्चे पांचवा क्या लिखा था? ए बी का भाई है, फिर कॉमा दिया है ना, कॉमा भी याद रखना, अगर केवल कॉमा दिया है, ये भी बच्चे फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसके बारे में बोल रहा है? ए के बारे में, क्लियर है कि नहीं? कॉमा भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, क्लियर है? एंड भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बट भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वाइल भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, केवल हु को छोड़कर, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? यहां पे लिख देता हूं बच्चे, ए जो है वो बी का भाई है, और ए जो है वो सी का पिता भी है, तो यही डायग्राम बनेगा, क्लियर है कि नहीं है? अब सबका इंग्लिश वगैरह भैया मैं लिखा हूं वहीं पे, ध्यान से देख लो, और बकायदा बोला भी था। ये बताओ ये चारों पांचों पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे कॉमा का कोई इंग्लिश नहीं होता, कॉमा ही होता है, क्लियर है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो मुद्दे की बात ये है, आप इसमें निष्कर्ष ये निकालिए, सार जिसको बोलते हैं, सार या निष्कर्ष जिसको जो बोलते हैं वो ये है, जो हु होता है जिसको क्या बोलते हैं? जो, याद रखना किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड। बाकी जितने हैं अदर्स वो किसको करते हैं? ठीक है, बाकी अब सीटिंग अरेंजमेंट में मिलेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में मिलेंगे इनसे, क्लियर है कि नहीं? अभी के लिए पर्याप्त है, चलेगा? कोई तकलीफ है बच्चे? तो अब मेरे ख्याल से डाउट का सिचुएशन नहीं होगा, अब पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, चलें? क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इतना सोचा मत करो, सोचते हो तो लगता है कि बड़ा मतलब कुछ नया कुछ निकाल रहे हो, सिंपल सी बात है, इसको दिमाग में रखो, छोड़ो, आगे बढ़ो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, इधर आई, अच्छा पीछे छूट गया ना एक क्वेश्चन, दसवां बनाते हैं, दसवां पहले बनाओ, दसवां देखते हैं। देखो, M is the son of B, M P का क्या है? पुत्र है। M क्या है? पुत्र है। M जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? P का, बना दिए। Q पौत्री है O की, O और Q पता नहीं कौन है,
लेकिन आगे लिखा है जो, लिखा है ना जो, किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन कौन है? ओ पी का पति है। ओ क्या है? पी का। तो ओ को बना दो और इसको बना दो पति। किसका पति है? पी को बना दो महिला। हाँ या ना? बन गए? ठीक है, ठीक है। अब बना दो क्यू पौत्री है ओ की। ये लाइन छूट गया था। पौत्री मतलब क्या होता है? ज्यादा दिक्कत हो तो ये देख लो ना, ग्रैंड डॉटर लिखा है। हाँ या ना? तो ये पौत्री है, क्यू पौत्री है ओ की। पौत्री कैसे बनती है? हाँ, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी। और बेटी की जो बेटी होती है वो नातिन कहलाती है। क्या कहलाती है? नातिन। और पौत्री कौन कहलाती है? बेटे की बेटी। समझते हो ना? क्या पहली बार सुन रहे हो ये बात? ये जान लो, भविष्य में काम आएगा। ठीक है, बनोगे ना कभी कि नहीं बनोगे दादाजी? हाँ, देखिए तो ये बच्चे क्या है, यहाँ पे ये वाइफ है, ठीक है, और वाइफ का बेटा हमारा ही बेटा कहलाएगा। और क्या है आगे बताओ? इसकी बेटी, इसकी बेटी ही पौत्री कहलाएगी। और ये पौत्री का नाम क्या है? क्या नाम है? कहाँ दिख रहा है? क्यू। यही है, पौत्री है मतलब फीमेल है। क्लियर है कि नहीं? बन गई? ठीक, आगे आ जाओ, यहां तक पूरा सेट है। क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ क्या लिखा है? एम का ओ से। बढ़िया है, एम का ओ से। समझ में आया ये बात? एम का ओ से कहा चले? समझ में आया? ये तुम हो, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी का ये क्या है? तो तुम्हारा भी क्या कहलाएगा? बेटा मतलब क्या होगा? क्लियर है कि? हो गया। तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस ये शब्दावली में दिक्कत था, बाकी कुछ में प्रॉब्लम नहीं था। हु मतलब सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और कोई सवाल? आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये। सब निकाल के आए हो क्या जवाब? बहुत बढ़िया, किए हो ये? पीडीएफ तो दिए थे ना? बहुत बढ़िया, अगर किए हैं बहुत शानदार बात है। ग्यारहवें में आइए, क्या आया है बच्चे इसका आंसर? वाइफ आया है। मान लो वाइफ ऑप्शन में नहीं दिया होता तो जीजा जी आते, सोच लो। जीजा जी तो नहीं है। अगर जीजा जी ऑप्शन में नहीं होते और ये भी नहीं होते जो आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दूसरा? भाई, तो फिर क्या होता? जीजा जी नहीं है, लेकिन जीजा जी यही नहीं आंसर। मतलब इसके दो आंसर हैं ये बताना चाह रहा, दोनों पॉसिबिलिटी बनाना। वो बात अलग है, आपने सही जवाब ढूंढ लिया, वेरी गुड। क्या होगा? साला। और एक और जो जवाब दियो, वो क्या दियो? वाइफ दियो। भाई, वाइफ, पत्नी। अच्छा, पत्नी है, पत्नी या साला, दो में से एक होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। मतलब एक सवाल के दो जवाब होंगे, कहने का मतलब ये है, केवल पत्नी निकाल लिया हो, मान लो ऑप्शन में पत्नी ना दिया होता, साला दिया होता, तो साला भी टिक करने लायक रहना चाहिए आपको। मतलब जितने भी सिचुएशन बनते हैं उतने जवाब आप निकालिए, नहीं तो कई बार होगा सर एक बार और बता दीजिए इसको। किसको बताएं भैया? कौन सा वाला? राज, कहां से बोल रहे हो यार, अभी ध्यान ही नहीं दिए थे। कौन सा वाला बताना है? नंबर बताओ जल्दी। ऐसा कोई था ही नहीं जिसमें ना समझ में आया हो, लेट आए होगे, ये हो सकता है। जल्दी बताओ जल्दी। दसवां, दसवें में क्या दिक्कत है यार? कैसे दिक्कत आया यार दसवें में, ये बताओ। पौत्री में फंसे होगे पक्का। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चे ना, ये दसवां वाले में ऑल सबको साथ, सबका साथ विकास वाला खेल है ना। देखो देखो यहां पे क्या लिखा है, एम पी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है बच्चे? पी का। तो पी को ऊपर बनाओ, पी का पुत्र कौन है? एम। क्लियर है ना? ठीक था, यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। एम क्या है बच्चे? पुत्र है। किसका पुत्र है? पी का। क्यू पौत्री ओ की। तो ये अभी बना नहीं सकते थे क्योंकि क्यू और ओ दिख नहीं रहा है, इसलिए आगे बना दिए। यहाँ पे लिखा था जो, मैंने पढ़ाया था जो, जो मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? ओ। ओ पी का पति है, तो ओ जो है वो हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? पी का। तो ये वाइफ होगी, यहाँ तक ओके होगा। अब आगे आ जाइए, जो पीछे छूट गया था लाइन। क्यू पौत्री ओ की। पौत्री मतलब होता है बच्चे ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर को पौत्री बोलते हैं। नहीं पता हो तो ऊपर देख सकते हैं, वही लिखा होगा ग्रैंड डॉटर। तो ये क्यू जो है ओ की, तो ओ ये है, ओ का, ओ की वाइफ ये है, वाइफ का बेटा है, तो मतलब इसी का ही बेटा होगा।
और बेटे की जो बेटी होती वही पौत्री कहलाती है, तो बेटे की बेटी कौन कहलाएगी, क्यू, और ये हो पौत्री, क्लियर है कि, तब ये ओ की पौत्री बनेगी, समझ में है। अब आपसे क्या पूछा था, बस इतना ही बन गया पूरा, एम का ओ से क्या संबंध है, बाकी भाई तो इतना पढ़ाए हैं, एम का ओ से कहाँ जाना है, का, ये आप ही आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी का जो बेटा होता है वो आपका भी बेटा होगा, इसलिए आंसर क्या होगा ब्रदर, आई थिंक क्लियर होगा, अब समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है आगे बढ़ते हैं, डाउट होगा तो पूछ लेना वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट में आइए। चलिए तो ये जो सवाल है बच्चे 11वां नंबर, बहुत आसान है, ध्यान से देखते हैं, बहुत तसल्ली से बनाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एक जवाब नहीं निकालेंगे दो, तो मतलब कितने डायग्राम बनेंगे, दो, दोनों बनाएंगे, ठीक है देखते हैं कैसे बनेंगे। तो पहला लाइन बोलो, एक्स और वाई भाई भाई हैं, मतलब एक्स और वाई ये दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों के ऊपर क्या बनाओगे, वेरी गुड, क्या बनाओगे बच्चे, ट्राइंगल, क्लियर है, एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, आर किसका पिता है, तो आर को सीधा सीधा बना दो वाई का पिता, बन गया, यहां तक कोई तकलीफ है क्या। अब एस टी का भाई है, एस किसका भाई है, टी का, तो यहां टी कहीं दिख रहा है, तो अभी इस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन है बताओ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ये और लगा है इसलिए फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, मैं बताया हूं आपको, ठीक है, और एक्स का मामा है, मतलब एक्स का मामा कौन है, एस, एस किसका मामा है, इंग्लिश में आएंगे तो एंड लिखा होगा, देखो हाँ या ना, और ये है एस, फर्स्ट पर्सन, और मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एस इज मैटरनल अंकल ऑफ, क्लियर है कि नहीं, इंग्लिश में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ठीक, तो यहाँ पे एस टी का भाई है, ये नहीं बना पाए, लेकिन एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन है, एस है, तो अब मामा बनाना है बच्चे, तो एक्स का मामा कौन है, एस है, तो एस कहीं दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, लेकिन अब एक्स का मामा बनाना है, इसको मामा बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, मम्मी चाहिए, तो अब इसकी मम्मी होने के लिए इधर ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी हैं, हाँ या ना, तो इसकी मम्मी होंगी ये, ऐसे मम्मी बनाना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। अब मामा बनने के लिए मम्मी का क्या होना चाहिए, भाई, अब मम्मी का भाई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, हम एक काम करते हैं, एक भाई बना देते हैं, और ये जो भाई होगा वही कौन है, मामा है, और मामा इसका है एक्स का, समझ रहे हो कि नहीं, ये हो गए पापा, और पापा की हो गए क्या पत्नी, और पत्नी के जो भाई होंगे पापा की वो क्या लगेंगे, मामा, और मामा कौन है, एस, बताओ यहां तक कोई तकलीफ है, यहां तक तो मेरे ख्याल से दो डायग्राम का जरूरत ही नहीं पड़ा है, अभी तक पढ़ा क्या, अब आगे पढ़ते हैं, एस टी का भाई है, एस किसका भाई है, टी का, तो एस टी का भाई है, तो अब देखो एस जो है वो किसका भाई है, अब यहां से दो डायग्राम बनेगा, तो बहुत अच्छे से सुनना, मैं एक दो नहीं बनाता, इसी में बनाऊंगा, इसी में बनाऊंगा, चलेगा, नजर बस गड़ा के रखना, एस सॉरी एस किसका भाई है, तो एस भाई दिख रही है, तो ये टी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, हो सकता है, हाँ या ना, भाई भाई होगा तो बगल में तभी ना है, संभव है कि नहीं है, लेकिन जरूरी है कि यही बस होगा, क्या ये भी तो हो सकता था कि अलग से हमने बना लिया टी, एस किसका भाई है, टी का, तो ये भी संभव है, टी इसके बगल में भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, कौन मौसी हो जाएगी, तो सुनो तो पहले पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, अभी मासी है, मामा है, चाचा सब निकाल लेंगे, पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं, अभी बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी वो ठीक बोल रहे हो, फीमेल भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेल फीमेल तो बनाए नहीं ना, अभी हम करेंगे काम, पहले बताइए क्लियर है कि नहीं, ठीक है, कोई सवाल है कि नहीं है, अच्छा ये बताओ टी कितनी जगह बना सकते हैं बच्चे, एक तो ये खुद टी हो सकता है या तो इसके बगल में टी होगा, सहमत हो, तो एक जवाब इसके अनुसार मिलेगा पर एक जवाब इसके अनुसार मिलेगा, तो इसके अनुसार पहले चलते हैं और फिर उसके अनुसार चलेंगे, क्लियर है कि नहीं, आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले इसके हिसाब से दे, पूछा क्या है पढ़ तो लो, बोलो बच्चे, टी का आर से, तो यहाँ पे टी का आर से, समझ गए, ध्यान से सुनना, तो से कहाँ जाएंगे, का तक, ये तुम हो, ये तुम्हारी कौन लग रही है, पत्नी लग रही है ना, ठीक है, तो ये तुम्हारी पत्नी लग रही है, तो एक तो जवाब हो गया पत्नी, क्लियर है, सही है, लेकिन मैं मान लेता हूं अगर
अगर मैं अलग कलर से लिखता हूं, कौन से कलर से लिखूं इसमें? इस कलर से लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, फिर से समझो टी का, तो इसको टी मान लेते हैं, तो टी ये है, तो टी का आर से, यही था इस वाले कलर को देखना, ये तुम हो, ये तुम्हारी कौन है, ये इसको कहा, हाँ ये पत्नी है लेकिन इसका नाम टी नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी है लेकिन इसका नाम टी, ये पत्नी है और ये कौन है, तुम्हारा साला, साला हुआ ना, पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है, तो साला ये भी साला हो सकता है, हो सकता है ना, उसका भाई है, साली भी हो सकती है, तो साला और साली दोनों होगा, साला और साली दोनों होगा, वेरी गुड, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे जवाब में दूसरा जवाब क्या होगा, साला या फिर साली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटरनल फेटरनल कुछ नहीं बोलते, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, कहां से, मम्मी मम्मी की साइड से थोड़ी होती है, हैं? ये बताओ, क्लियर है, मैटरनल इन लॉ वगैरह नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ होगा या सिस्टर इन लॉ, क्लियर है कि नहीं। तो कितने आंसर संभव है, दो थोड़ी, तीन, कितने, तीन, समझे, तो तीन में से कोई भी एक दिख रहा है तो वाइफ को टिक करोगे, अगर वाइफ नहीं होता तो किसको टिक करते, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी नहीं दिखता तो किसको टिक करते, समझ गया कि नहीं, समझे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, नोट करिए, आराम से बनाओ। अब बताओ भैया जो जो है लाइव उन्हें क्लियर है कि नहीं, ठीक बच्चे, ठीक है, साला साली पत्नी, इतने सारे संबंध है, सोचो, ठीक, एक सवाल में तीन रिलेशन, सभी को क्लियर है इधर भी लाइव में, जल्दी से बताइए जो जो बच्चे लाइव हैं अभी, हो जाएगा, बना लियो, कोई सवाल है पूछ लो, डाउट पूछो, बिल्कुल डाउट पूछो, क्लियर करें, डाउट है बच्चे कुछ, फिर से बताना है आपको, डाउट क्लियर है इधर दोस्त, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर आ जाइए, 12वां नंबर है बच्चे, इसका जवाब दो, हाँ, नीस और अंकल, नीस और अंकल, नीस मतलब भतीजी, अंकल मतलब चाचा, ये होगा जवाब, कौन सा वाला आप ऑप्शन बोल रहे हैं, सी, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, घर में पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा, जब दिए थे तो करना चाहिए था ना सॉल्व, किए नहीं हो गए, टाइम कहाँ मिला होगा, अभी देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं, ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे बना के आए हैं लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा है पढ़ो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए किसका पिता है बच्चे, तो ए पिता है तो ट्राइंगल बना लो, किसका पिता है, बी का, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी किसकी डॉटर है, सी डॉटर है, किसकी डॉटर है, बी की, क्लियर है बच्चे, वेरी गुड, ठीक है ना, जिनका क्लियर है तो ठीक, चलो, सी डॉटर है किसकी बच्चे, बी की, आगे चलते हैं, कॉमा दिया है यार, याद रखना, लेकिन कोई फायदा नहीं है, डी के बारे में बोला है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि हर बार जोड़ दिए, जहां सब्जेक्ट है वहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी किसका भाई है, डी बी का भाई है, तो डी को बना लो, ये भाई है बच्चे बी का, सहमत हो, ठीक है, आगे पढ़ो, ई इज द सन ऑफ ए, ई किसका पुत्र है, ए का, ई किसका पुत्र है, ए का, ए का पुत्र बनाने के लिए ई को यहां बनाओ, ई किसका पुत्र है, ए का, यहां पे बनेगा, ये सब भाई बहन है लगता है, हाँ या ना, अब आगे आ जाओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी, सी और ई के बीच का संबंध बताइए, यहां कासे की कहानी नहीं है, यहाँ पे संबंध पूछा है बस, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी, सी और ई के बीच में कैसा संबंध दिख रहा है, तो भैया ये क्या है, ये इसके माता पिता कुछ होंगे, अगर ये पिताजी होंगे तो चाचा और भतीजा, भतीजी, चाचा भतीजी, मम्मी होंगे तो मामा और भांजी, मामा भांजी भी हो सकता है, चाचा भतीजी भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मामा भांजी चाचा भतीजी, तो मामा भांजी कहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, चाचा भतीजी, क्लियर है कि नहीं, कौन से बड़े पापा, ये बड़े पापा, तो बड़े पापा को क्या बोलोगे, बिगर अंकल, बिग अंकल, अंकल ही ना बोलोगे, वही है, ठीक है, सब चाचा बड़े पापा सब एक, हिंदी में सब अलग है, इंग्लिश में सब एक है, तो आप बड़े पापा बोल सकते थे, बड़े पापा के लिए क्या बोलते हैं, भतीजी ही ना होगी, सही है ना, क्लियर है,
कोई सवाल किसी का? सभी को क्लियर है? तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पजल पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। पिछला क्लियर था कि नहीं क्लियर था? इधर आओ, नोट्स अच्छे से बनाना, क्वेश्चन के साथ प्रॉपर लिखना अच्छे से, ठीक है? और खासकर रीजनिंग की कॉपी हमेशा व्हाइट पेज वाली होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है प्रॉपर, नहीं तो क्या लाइन जो खींचोगे तो दिक्कत होगा, या फिर साफ सुथरी कॉपी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गाढ़ा लिखते हो तो लास्ट में काम आता है सारी चीजें। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आखिरी में रिवीजन कैसे करोगे, एक हफ्ता बचा है, क्या फिर से पढ़ाई शुरू करोगे कि क्या करोगे, केवल कॉपी पलटाओगे ऐसे करके इधर विष्णु अवतार में बैठ के ऐसे? हाँ ये भी नहीं करना ना, ऐसे नहीं बैठना होता है, वो विष्णु जी बैठते उनका चलता है, इंसानों के लायक नहीं है वो, इंसान बैठेगा सो जाएगा, अब विष्णु जी थोड़ी है। ऐसे पढ़ाई करने की जिसकी आदत है सब फर्जी है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती उससे। देखिए यहाँ पे करिए इसको, मदर इन लॉ बता रहे हैं, वेरी गुड, देखते हैं कौन सा नंबर है, 13वां। मदर इन लॉ, सास, वेरी गुड, देख ही रहे बनाते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। P इज दी हस्बैंड ऑफ Q, P किसका पति है? यदि P पति है Q का, P हस्बैंड है भैया, किसका हस्बैंड है? Q का, क्लियर है कि नहीं? ठीक, और R, और लिखा है ना, और की जगह एंड लिखा होगा, हाँ या ना? आर माता है, आर इज दी मदर ऑफ एंड आर इज दी, अरे गलत लिख दिया, हिंदी में प्रॉब्लम है, और आर माता है ये नहीं होना चाहिए, एस और क्यू की, ये प्रॉपर सेंटेंस है, इंग्लिश में ठीक है, अभी ठीक हुआ? हिंदी में ठीक हुआ? लिखा था यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, आर माता है एस और, तो आर माता है एस और क्यू की, गलत मत पढ़ लेना, गलत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, सही कर लेना इसको, यहाँ पे पूर्णांक नहीं होगा, आर माता है एस और क्यू की, तो आर माता है एस और क्यू, क्यू दिख रही है तो आर किसकी माता है? आर माता है एस और क्यू, क्यू तो दिख गई मतलब इसके बगल में भी एस होगी, भाई बहन कुछ ना कुछ होंगे, हाँ या ना, सही है, कोई तकलीफ? आगे चलिए, तो पी से आर का क्या संबंध है? बस बन गया बच्चे, पी से आर का कुछ छूटा तो नहीं था ना, ठीक, पी से आर का यही लिखा है, तो से कहां जाना है का, ये आप है, ये आपकी कौन है? पत्नी, और ये पत्नी की जो माँ होती है वो क्या कहलाती है? सास, तो सास जो होगी वो क्या होगी बच्चे? मदर इन लॉ, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक, तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान हो गया है ये आपके लिए। आइए इधर 14th में, पजल कंप्लीट है, हाँ जवाब दे रहे हो, वेरी गुड, चलिए ये क्वेश्चन भी था, अगर आप लोग को PDF मिल जाए करे तो आप सॉल्व जरूर करा करिए, ठीक है, ब्रदर बोल रहे हैं, ठीक है देखते हैं। अच्छा ब्रदर अगर जवाब में नहीं होता तो क्या होता? ब्रदर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होता हिंदी में बताइएगा, इंग्लिश में बड़ा अजीब रिलेशन होता है। अगर भाई जवाब में नहीं होता तो क्या होता, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार, पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? पत्नी के भाई को तो साला बोलते हैं, बताएं। मैं कहना चाहता हूं इस सवाल के भी दो जवाब होंगे, कितने जवाब होंगे? दो तीन भी हो सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, दो तो मेरे को दिख रहा है, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी नहीं है आपकी तुरंत, मतलब आपको पता है सब, लिखे आप ही हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सवाल मैंने कल ही दे दिया था, 15 दिया था ना आपको PDF के फॉर्म में, आप PDF आपको नहीं मिला होगा शायद, तो आपको ढूंढना चाहिए था, बोलना चाहिए था, मैसेज करने के लिए नंबर है, ठीक है कि सर मुझे PDF चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको? जिज्ञासा पढ़ने के प्रति, जो है नहीं, ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे होगा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए। चलिए एक पुस्तक पढ़ता है, ये क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, और जानता है, क्या जानता है? कि उसके पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। अरे किताब उठाया देखा, अरे इनको तो मैं जानता हूं, ऐसे बोलते हैं ना,
तो परिचित है। अब यहां से शुरू करते हैं। सी के चाचा, सी का चाचा लेखक बी है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? बी है। और पढ़ कौन रहा है? ए। ए क्या पढ़ रहा है? लेखक बी की किताब। और सी का चाचा कौन है? लेखक बी है। किसका चाचा है? सी का। तो सी को बना ले पहले। चलो ये बना लेते हैं सी। और सी के चाचा बनाने के लिए पहले पापा बनाना पड़ेगा। और पापा के भाई जो होंगे वही चाचा होंगे, हाँ या ना? और चाचा का नाम क्या है? सी का चाचा लेखक बी है। और ये जो बी है यही कौन है? लेखक है। यहां तक ठीक है? सहमत हो? ये लाइन बना लिए, सी का चाचा लेखक बी है। सी का चाचा लेखक बी है, ठीक। आगे चलो। ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री कौन है? ए की जो पुत्री है उसका नाम क्या है? सी। ए की पुत्री, तो ए का जेंडर पता है, लेकिन सी का जेंडर पता चल गया। सी क्या है? फीमेल है। पुत्री है, फीमेल है। अब जो ए की पुत्री है तो ए ये भी हो सकता है, उसके बगल में भी हो सकता है। तो ए की संभावनाएं कितनी है? एक है कि दो है? दो है। या तो ए यही हो जाएगा, हाँ या ना? या फिर ए उसके बगल में बनेगा, या फिर ए उसके बगल में बनेगा। और अगर बगल में बनेगा तो इन दोनों की क्या कराना पड़ेगा? शादी। अगर आप शादी कराएंगे तो ये मम्मी बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ या सहमत हो? नहीं हो? ठीक। तो ये एक तो ए यहां हो सकता है, एक तो ए यहां हो सकता है। एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। समझ रहे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं आया? ठीक है। अब ये बताओ, ये आपने बना लिया ए की पुत्री सी है। ए से बी का किस प्रकार? अच्छा, ए तो किताब पढ़ रहा था ना, ठीक है। तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है? क्या ए से बी किस प्रकार संबंधित है? ए और बी का संबंध बताना है, ठीक है। ए और बी का संबंध बताना है। तो अगर मैं इसको ए कहां लिखा है? ए से लिखा है ना। ए से बी का मतलब ये है, किस प्रकार मतलब का, किस प्रकार से संबंधित है। इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ज्यादा दिक्कत हो तो। अगर हिंदी में तकलीफ हो तो इसमें इंग्लिश सहारा देगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, मतलब ये कहना चाहता है बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से, तो ए के बगल में सी लगा था, यहाँ पे बी में क्या होगा? का, हाँ या ना? तो किस प्रकार का मतलब का है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नहीं आया ये समझ में? कभी भी तकलीफ होगा तो इंग्लिश में देख लेना, ये वाला खास है, लास्ट वाला लाइन, लास्ट वाला। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, मतलब बी का ए से क्या संबंध, बी का ए से। तो बी का ए से, तो अब आइए देखते हैं, लिख देते हैं। अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं, कौन सा कलर ले लूं? इसको ले लेता हूं। तो बी का अगर ए इसको लूंगा तो से यहां बनाऊंगा, इसके हिसाब से जाऊंगा तो कौन है? कौन है? भाई। तो एक जवाब तो आ गया ब्रदर, सहमत हो? दूसरे जवाब में चलते हैं, दूसरे जवाब में चलते हैं, क्या बनाए? दूसरे जवाब में चलते हैं कि यहां पे अब से लिख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? का, ठीक है। अब यहां से यहां जाइए, ये आप हैं, आप एक महिला हैं, ये आपके पति हैं, और ये आपके पति के कौन है? भाई है। तो आपके क्या लगेंगे? जेठ देवर भी तो लग सकता है, ये जेठ पेठ नहीं चलेगा यहाँ, देवर क्या होगा? देवर, जेठ भी हो सकते हैं, देवर है। कौन है? देवर। क्लियर है कि नहीं है? और देवर को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। फिर क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे एक और जवाब हो सकता था, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देवर, या जेठ वोट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, देवर भी चलेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? या तो भाई होगा या तो देवर होगा। तो यहाँ पे जवाब में कोई दिख रहा है इनमें से एक? ब्रदर, तो ब्रदर को टिक करेंगे। अगर ब्रदर नहीं होता तो क्या होता? देवर। कोई सवाल हो तो पूछ लो, ठीक है। कोई तकलीफ है, कोई समस्या, ये बताइए। कोई तकलीफ हो तो बताइए, हो जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हुआ बच्चे, और यहां से 15 क्वेश्चन, 14 हो गए क्या? कोई तकलीफ किसी को? बस कंप्लीट है वैसे, बाकी कल करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको घर से किए होंगे शायद आप लोग। क्या है? पर पोता। क्या है? पर पोता, ग्रेट ग्रैंडसन, ये आएगा घर में, करिएगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, कर लेंगे घर में, ये क्वेश्चन घर में करिएगा। कल से शुरू करूंगा मैं आपका, पजल फॉर्म हो चुका। दूसरा बचा है कौन सा? कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर्म। कल सबसे पहले पॉइंटिंग फॉर्म करेंगे और फिर कोडेड रिलेशनशिप। क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
तो अभी के लिए इतना काफी है, दो पॉइंट और बचा है तो कोशिश करूंगा कल कंप्लीट कर दूं। यहां तक क्लियर है सभी को? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल की क्लास में, और कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, थैंक यू। ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है?